बहुत गर्मी लग रही है ना देख के मुझे। आओ अटैक करोगी तुम, चलो। तूने वेट लूज किया? हाँ या नहीं किया? पर थोड़ा सा लग रहा है ना, रनिंग करी? अरे किशन बोल भी नहीं रहा। किशन इज लूजिंग वेट एवरी डे, आई मीट हिम एवरीवेयर एंड ही इज लूजिंग सुपर। हाँ पूछो। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे यू नो पीर मेरी देखा आपने, सॉन्ग कैसा लगा इसके बारे में बताइए। यार मेरे को मोर देन दस दिखा कैसा, आई वुड हैव टू टेल यू दैट हम में से किसी को आइडिया नहीं था कि पर्ल इतना अच्छा सिंगर है। मतलब हिज वॉइस क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। एक होता है जो लोग अच्छा गा लेते हैं ना, मतलब बाथरूम में भी गाते हैं बाहर भी गा लेते हैं ऐसे कोशिश करते हैं। एक होता है इट लुक्स एंड इट साउंड सो प्रोफेशनल। सो एनी वेज वी वर वेरी वेरी सरप्राइज अबाउट दिस। फिर अनीता वेंट अहेड एंड डिड द म्यूजिक वीडियो व्हिच शी डजंट रियली ऑफन डू। सो इट्स सच अ नाइस थिंग दैट एवरीवन इज कमिंग टुगेदर। सुबह उठ के तूने वीडियो देखा? इट्स सो नाइस। आई सॉ द वीडियो इन द मॉर्निंग एंड आई वाज लाइक वाओ इट वाज अ परफेक्ट मॉर्निंग। He was like, he sung so well, they both are looking so good and their chemistry is like brilliant. Yeah, so very good song. Okay, और आज पार्टी है तो विकास आपको वैसे तो पार्टी करना पसंद नहीं है लेकिन आज पार्टी करने वाले या नहीं करने? देखो क्या है ना, पार्टी करना पसंद नहीं है लेकिन तुम हमेशा मुझे देखोगी लॉन्चेस पे। मेरे दोस्तों का लॉन्च होता है मुझे वहाँ होना पड़ता है, और इस पे या ओपनिंग पे। But that's important because ये important time होता है जहाँ पर you have to be with your friends because it's new beginning। और वैसे ही मैं बहुत lucky हूँ लोगों के लिए तो मैं तो जाते ही जाता हूँ। Very important। आप क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? आज we just come to support them and it's such a big day for them. Both of their albums have come out and it's doing so well. The responses are great. So yeah, we're just gonna celebrate with them. And Pearl singing for me by the way. So that's yeah, really we'll make him sing and singing talent. अब नहीं एक्चुअली क्या हुआ था कि पर्ल ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसका म्यूजिक वीडियो आ रहा है। ही सेड आई सिंग, सो आई हैड सेड पर्ल अपने सॉन्ग्स भेजना ना बिकॉज आई वाज लुकिंग एट डूइंग समथिंग एंड पर्ल सेंट एंड सेड सुपर्ब यार। उसने फिर मुझे बताया कि ही इज ऑल्सो शॉट अ म्यूजिक वीडियो एंड देन वी गॉट टू नो दैट ही इज प्रोफेशनली गॉट मी इनटू दिस व्हिच इज फैंटास्टिक यार। एंड आई नो इट्स लाइक हॉलीवुड, यू हैव आर्टिस्ट जो केवल एक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो मच वेरियस थिंग्स। सो आई थिंक दैट्स वेरी 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 फैंटास्टिक बहुत है। ओके विकास, एक और जो न्यूज आ रही है वो ये है कि एज ऑफ सिक्स द स्पेस सीजन 2 में करण पटेल आपको रिप्लेस करने वाले हैं। अरे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू नो आई थिंक इफ करण इज रिप्लेसिंग मी आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज बिकॉज करण पटेल इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटीज ऑन स्क्रीन। तो अगर वो मुझे रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हो रहा है। पर नंदलेस मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन कर रहा है उनकी जगह, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हु विल इवेंचुअली डू एस ऑफ स्पेस। एस ऑफ स्पेस सीजन 1 वॉज द बिगेस्ट हिट फॉर MTV लास्ट ईयर। इट्स बीटन स्प्लिट्स रोडीज, सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस फॉर एस ऑफ स्पेस 2 आर रियली हाई एंड आई एम रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है एस ऑफ स्पेस 2 में। ये इंडिया जीतेगा इतना। फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरी फेवरेट टीम है उसका नाम है इंडिया, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते ताकि हम लोग वापस। एक बार पागल हुए थे ना, पूरा शहर आ गया था रोड के ऊपर ऐसे कर, बहुत बहुत मजा आएगा, सब लोग एक दूसरे को वापस मिलेंगे सड़कों पे। सुपर फीलिंग आती है। आगे सुन लो। थैंक यू या रजिस्ट। दिस इज सो गुड। ओ अनीता का मुंह ऐसा लग रहा है तू अनीता को बोल रहे हैं। शट अप अनीता। दिस इज सो गुड रजिस्ट। My rock stars, Pearl and Anita, I'm so happy for Arjun. Okay, you're also the new star. Video. Yeah. Anita ka muh aisa laga tu Anita ko poochiye ji. Unko
बारह बजे क्या यहाँ क्या कर रहे हैं चलो इधर ना इधर भी हमको ओके हो गया तुम्हारा आपका होम साइड है दोनों पीछे भी कैमरा बाइट्स नाउ मेरे पास तो वैसी हॉट टांगे भी नहीं है चलो मैंने तो ट्रेलर देखा है आई थिंक द सॉन्ग साउंड्स रियली नाइस इमोशंस में बहुत हाई है जो भी मैंने देखा एंड अभी अंदर जाके पूरा गाना देखेंगे एंड आई थिंक पर्ल इज़ बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये गाना आए एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम इन इज करियर कि ये गाना आए और लोग उसका जो दूसरा टैलेंट है सिंगिंग वो भी देखें एंड आई थिंक इज़ वर्क रियली हार्ड ऑन इट एंड वी ऑल शुड सपोर्ट हिम विच यू गाइज आर थैंक यू I knew this since day one, since the time I have started shooting with him and I was telling, you know, that I was actually a part of their journey, you know, of making this song because when they have decided that this is the song, so Pearl ne mujhe 3-4 songs sunaye the, though he has recorded and written hundreds of them. But yes, then they have decided on this song and then, you know, they thought of a concept, then the entire planning of shoot and everything and I was a part of it. तो मुझे ऐसा लगता है एज मच एज दिस सॉन्ग इज ऑफ अनीता एंड पर्ल इट्स माई सॉन्ग एज वेल बिकॉज आई वॉज देयर थ्रू आउट इन द प्लानिंग लाइक यू नो आई नो इट सो टुडे दे आर नॉट शूटिंग फॉर नागिन बिकॉज दे हैव टू शूट दिस सॉन्ग एंड वेयर आर यू शूटिंग वेयर आर यू वॉट कम हियर I am never busy for my friends. And you know that. जिनके पास खुद डेट नहीं हो दूसरों की डेट के बारे में ऐसे बात सीरियसली. Listen, his show, एक small show on Colors called Kitchen देखो, Champion. Small भी बोल दिया उसको. But it went up to become one of the biggest loved show. Because he is an amazing Super. host. He is smile so करता good. उसी में चल जाता यार. क्या That's true, Arjun. हम लोग सब tissue tissue. Tissue? आंसू आ रहे. अरे क्या? So yeah guys, I want to say all the very best, Pearl. This is just the beginning. तुम और songs बनाते जाओगे और बहुत अच्छे अच्छे songs बनेंगे और हम सब तुम्हारे songs को इतना ही प्यार करेंगे. Okay, sir, also nagging thing जो है वो you know end पर है wrap up होने वाला है उसकी कितनी दुख उसका कितना यार दुख से ज़्यादा खुशी है because only I can feel and I know that how much I had enjoyed this journey. Nagin was amazing. मुझे बहुत मजा आया. I can't even express. Seriously, it's an amazing show to do. For guys, it's even more amazing because you always have two women to romance. At least I did. एक नागिन एक ह्यूमन. यहाँ तो दोनों नागिन. हाँ यहाँ मेरे पास तो दोनों. काली एक सुनहरी नागिन. काली और सुनहरी. और अभी सफेद भी. लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक चीज. मेरे घर मेरी बिल्डिंग में रहती थी सुरभि उस वक्त. और उस दिन उसका फर्स्ट एपिसोड आने वाला था. Really? हाँ, और ये जाके मेरी मम्मी से बोलती है आपको कलर्स पे नागिन देखना है. Oh, yes, of course. ये क्या प्रमोट मतलब मैं तो ऐसे लोगों को मैसेज करता हूँ कि देखना ये घर पे जाके यू हैव टू वॉच आंटी मेरा शो नंबर वन होना चाहिए. मुझे पता है कि विकास की मदर इज एक्चुअली माय रियल ऑडियंस. वही देखने वाली है. उन्होंने देखा भी यार कम ऑन. और ये इतनी लकी है जिस शो पे जाती है वो शो नंबर वन हो जाता है हमेशा. मतलब क्या करती है. वेरी गुड नेक्स्ट वो कर लेना मेरा विकास भाई. सर भी आप तो म्यूजिकली टिकटॉक पर भी यू नो अनीता इंट्रोड्यूस मी टू टिकटॉक. आई अच्छा वी डिड दैट टुगेदर राइट द टिकटॉक थिंग द स्लो मोशन थिंग. या सो या अनीता एंड केवी उन दोनों को बहुत चस्के टिकटॉक के. ओके केवी या
Kevi can do a TikTok he's when a person CEO is social sleeping. Media. Yeah, so he's thank quite you, active. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Ma'am. So. Hello here. Sir, guys, come le jao andar. Kishan bro, Kishan. Bhai, bhai. Kishan. Kishan. Bhai saab. Look here. किशन क्या करूं बता तो कैसे होगा पूरे फ्रेम में है रोल Talking about the concept, Anita ke intro mein thoda sa jana chahiye why you chose
कंट्रोल रूम है। Anita ma'am, look here. Sir, look here, sir. Right here, here. Wait, sir, yeah. How are you? Left to right, ma'am. फोटो करके आने दो सर। Look here, ma'am. Madam, जी मैं तेरा भाई हूँ। Thank you.
It's not that. Her acting is not that. Her acting is not that.
मैम लुक हियर सेंटर नाइस इधर देखिए मैम चलो हो गया वेट 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 माइला बीच में मैम मैम इधर देखिए ना इधर देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं हां इनको मैं ये जब से तो सब जगह देख लिया अभी चालू कर रहे हैं अरे दादा बीच साइड बीच अंकल मैम इधर स्टेट लेफ्ट मैम लेफ्ट I wish for all of
था आप लोगों का भी बॉल और आपका भी प्रोको आउट हो गया इसका आगे आकर तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने के लिए उसमें भी मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ हम लोगों ने प्रमोशन किया है और ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने इतनी कोई बातचीत नहीं की है इतना सारा शूट किया है फिर आई थिंक एक तो फोर में सेम शहर से है तो उससे काफ़ी दर्द पड़ता है वी वॉन्टेड लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट वी बोथ बिलोंग टू द सेम सिटी तो आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन आप मेरे पास पहुंच चुकी थी बात की क्योंकि पर्ल उस दिन डिस्कस कर रहा था दैट इज न्यू सिंगल रिलीज तो मुझे पता था एंड प्लस आई रियली एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक माय सेल्फ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड उसका गाना मैंने आज सुना एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर हिम ही शाइनिंग एंड आई वांट कि उसका ये वक्त चलता है नागिन नागिन सो गुड प्लस